अल्हम्दुलिल्लाह, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है मेरे आखा, जो इस बार भी ये गुनहगार को रमजान का मुबारक महीना नसीब करा। इंशाअल्लाह हर साल की तरह इस साल भी पूरे रोजे रहूंगा, फिर तरह भी। एक छोटी रिक्वेस्ट है मेरे आखा, जिस तरह आप मेरे को 100% समझदारी दी, उसमें से एक 10% भी अगर मेरी बीवी को समझदारी दे दिए तो आपकी बड़ी मेहरबानी, तरह उनका जुलूम ओवर हो जाना। एंड वन मोर बट नॉट ऑन द लिस्ट, मेरे साले को भी अगर एक 5% भी समझदारी दे दिए तो बस, आप बेहतर जानने वाले हैं। वालेकुम सलाम मियां, रमजान मुबारक। गले मिलने आया, पेट मिलने आया। रमजान मुबारक भजन। आपको भी मुबारक भजन। क्या? आई एम सॉरी भजन। साड़ी? किसकी साड़ी, कौन सी साड़ी, कहाँ की साड़ी? साड़ी नहीं भजन, सॉरी बोला भजन। सॉरी? कहीं को सॉरी बोला? फिर पैजामे में से पैसे मारा क्या? अरे नहीं भजन। फिर कहीं को सॉरी बोल रहा? नहीं भजन, मैं आज तक तुम्हारे को बहुत सताया और तुम्हारी एक भी बात नहीं सुना, इसके वास्ते सॉरी बोल रहा भजन। और मैं आज से तुम्हारे पूरे बात सुनतु भजन, तुम कुछ भी बोले तो सुनतु भजन, एक भी बात को नहीं बोलतु, सौदा मंगा तो मिला तू और कितनी भी दूर भी जाए तो जाके आता भजन और पैदल जातु भजन, अब से नहीं सता तू भजन आपको। इतना जल्दी तू आंखों भूल हो गई? तेरा लाख लाख शुक्र एहसान है मेरे मालिक, अब मेरे को यकीन हो गया, पक्का पंडू यकीन हो गया, तेरे घर में वाकई में देर है, अंधेर नहीं मेरे मालिक, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अरे मियां बहुत खुशी हुई है सुन के, काफी तब्दीली आ गई तुम्हारे अंदर। नहीं भजन, अब मोल साहब बोले। क्या बोले मोल साहब? मोल साहब बोले अपने से छोटे और कमजोर लोगों पे जुल्म नहीं करना और उन लोगों की बात सुनना, उन लोगों की हर बात सुनना, उन लोगों को कभी नहीं सताना, बोल के बोले उन लोगों पे रहम करना और उन लोगों पे जुल्म नहीं करना, इसके वास्ते मैं तुम्हारे बोला भजन, आज के बाद मैं तुम्हारे नहीं सताता भजन। कैको तुम कमजोर है ना भजन। लौंडे आपा, आपा। लौंडे थर, आज तेरे को नहीं छोड़ता हूं, मेरे को कमजोर बोलता तेरे को बताता हूँ, आज कमजोरी किसको बोलते, मुंगूस के बच्चे थे। निकल बाहर, निकल पीछे से बाहर, निकल क्या तो भी हो गया, ऐसे जंगली शिकारी के जैसा मेरे मासूम भाई के पीछे कई को पड़े हुए, रमजान का तो लिहाज करो। रमजान का लिहाज करा बोल के उन्हें भाग के तुम्हारे तक पहुंच सका, नहीं तो वही नल्ली मत के मार देता था उसको। और कौन से एंगल से मासूम दिख रहा है तुम्हारे को? हाँ मासूम नहीं, नासूर है, नहीं नासूर, इतरा रे, इतरा इतरा रे। ऐसा क्या तो भी करा जी ने? करा नहीं, बोला बोला। क्या बोला? कमजोर बोल रहा है मेरे को। देखो कैसा मालूम हुआ रे? हाँ हाँ। ऐ बहुत बड़े बड़े बात हो रहे क्या? हाँ बढ़ जा रहा, चल भाईजान को सॉरी बोल। सॉरी भाईजान। इट्स ओके। चल अब अंदर जा, फौरन अंदर जाके सो जाना, सहरी में जल्दी उठने का है, जा जा। अच्छा भाईजान वो कूलर में पानी डाले। ये अच्छा मामूल बना लिया तुम दोनों भाई भाई मिलके, मैं कभी भी उसको मारने आते कि तुम हल्लू उसको अंदर भिजा देते। अब जान दो ना जी, मैं डराई ना उसको। वाह 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 वाह, क्या डराए भाई, ये तो ऐसा हो गया मैं डराए सर का करती हूँ, तू डरे सर का कर, मैं मारे सर का करती हूँ, तू रोए सर का कर, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र दिख रहा है मेरे को दोनों बहन भाइयों का। अब जान दो ना जी, तुम बड़े हैं और दिल बड़ा करना। वो तो मैं हूँ, ऑफ कोर्स मैं बड़ा तो हूँ तजुर्बे में, उम्र में भी। हाँ क्या बोले?
उम्र में उम्र में तुम्हारे से 25 साल का छोटा हूँ मैं। चुप बैठो जी, चुप बैठो। हमारे खानदान में पूरे लोग मेरे को ताने मारते, तुम और मैं साथ में चले तो बाप बेटी दिखते बोलते। अब मेरा मुंह खुलेगा, ये सुनिए आप, आपकी तारीफ। कल अपन दोनों चीतक पे बैठ के बेगम बाजार को गए थे। हाँ। वहाँ पे हमारे एक दोस्त मिले थे, मालवाड़ी शेठ। उन्होंने तुम्हारे को मेरे को एक साथ देख के आज क्या पूछे मालूम? क्या पूछे? नूर भाई, कल चेतक पे पीछे किसको तो ही बिठा के ले जा रहे थे, तुम्हारे नानी सास से क्या पूछे तुम्हारे को देख के? वो तो मैं जान दो बोल के बोला। नहीं शेठ, हमारे अहलिया थे बोले तो सुन के दुनिया का अफसोस कर लिए। मेरे को बोल रहे, अरे रे रे नूर भाई कहाँ फंस गए जी, तुम बोल रहे। अब मैं बोलने ठहरी ना तो हजार बातें निकल दे। उसकी कोई सूरत नहीं है। आप सौदे की थैली ला के दियो, मैं जाके सौदा ला लेता शहरी के वास्ते। ठीक है, अब भी ला रही हूँ। ये अच्छा हिसाब है इसका, कुछ भी नहीं समझ में आते कि सीधा अंक पे आ जाती। उसको ठंडा सुला दी अंदर, हमारे को सौदा लाने पे लगा दी। थैली का है सौदे की। अल्लाह का महीना इबादतों का है, क्या खेलने में वक्त गुजार रहा, पढ़ लेते भाई। पढ़ो भैया पढ़ो। बिस्मिल्लाह 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 अल्लाह अल्लाह। तेरे मुंह पे पड़ो कीड़ों का छापा। क्या तो भी हो गया जी, ला रहा हूँ। कब से तो भी लाए जी, ला लिया। हेलो आपका बेसन, क्या खुशबू आ रही भाई, क्या तल रहे थी? आलू के भजिए तल रही। माशाल्लाह माशाल्लाह, आलू के भजिए। हमारे रजियाबानो, आलू के भजियों के साथ साथ एक थोड़े प्याज के भजिए भी तल लिए तो गरीब इफ्तारी के साथ खा लेता हूँ। नहीं आलू के है ना, आलू के खा लेता। अच्छी बात है, तलती हूँ। हाँ शुक्रिया शुक्रिया, नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया वुक्रिया नहीं, बाहर जाके प्याज ले लेके छिल के बारीक काट के ले लेके आए तो बना के देती। नको कल बना लेंगे, आज आलू के बना रहा। अब आप इतने प्यार से आज आलू के भजिए बना रहे, प्याज के कल बना लेंगे, आज आलू के भजियों से काम चला लेंगे, क्या बोलते? अब कैरी ऑन करो।
एक काम बोले तो चार कामा लगा देती ने। वैसे घर के कामा करना कोई बुरी बात नहीं है। एक अच्छे शौहर होने की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि वो अपनी बीवी का हर कदम पे साथ दे और हर काम में हाथ बटाए। अल्हम्दुलिल्लाह अपन तो अच्छे शौहर है, अपन जाके इनका काम में हाथ बटाएंगे। रजिया इधर लाओ मेरी गुजियो, तुम क्या काम करना है बोलो। आज आप चिंता खैर होगा। अरे नहीं नहीं नूर, आप रहन दो, मैं करती हूँ। आप इतना बोले वही काफी है, आप बाहर जाओ। अरे आलवा छिलके देता हूँ जी, ठहरो, तुम्हारे हाथ बटा दो तुम्हारा काम। अरे नहीं नूर, आप बाहर जाओ, मैं कर लेती हूँ, आप बाहर जाओ। नूर आप इतना बोल दिए वही बहुत है मेरे वास्ते, आप जाओ बाहर जाओ, मैं कर लेती हूँ। अरे क्या घर के काम खाली औरत ही कर सकते, क्या मर्द नहीं कर सकता? मर्द आदमी घर में रहा तो घर के काम मर्द आदमी भी कर सकता, उसमें बुराई क्या है? अरे नहीं नूर, आप जाओ बाहर बैठो, मैं कर देती हूँ। अरे आलू छिलके देता हूँ जी, लाओ इधर। नहीं नूर मैं बोली ना, आप जाओ मैं करती हूँ, प्लीज आप बाहर जाइए। अच्छा एक काम करता हूँ, मैं बाहर फूटा तो भी काट लेता हूँ जब तक। अल्लाह बेचारे, खाली रमजान में सुधरते ना। सुन लिए क्या? मैं भी एक छुरी दो ना भाईजान, मैं भी कुछ भी काट लेते बैठता हूँ। बेटे ये बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, हाथ कट गया तो खून निकल के आता, समझा लौंडे? एक काम कर, ये अनार काट के देता हूँ। अनार छिल लेते बैठ, एक भी दाना नीचे नहीं गिराना। एक में छिलके डाल, एक में दाने निकाल के डाल। ठीक है भाई। सीधा छिल रे, छिल रहा कम गिरा रहा ज्यादा, सीधा छिल, प्लेट में उठा के डाल नीचे के दाने। ठीक है भाई। उठाओ दाने। उठा रहा मुझे। प्लेट सीधा रख, दुआ पढ़ लेते बैठ। हाँ भैया। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। इसको आज खाली पीली बहुत डरा दिए, बहुत मारे अपन। बेचारा आज रोजे में रह के बहुत मेहनत करा, आज इसको अपने हाथों से रुआफजा डाल के पिलाऊंगा मैं। गिलास दे। बस भाईजान, बस 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 बस, ये ना भाईजान, ये ग्लास तुम ले लो, ये जग में कटे लो। सुधरने वाली खाल नहीं है ये, नदीदा कहीं का। दुआ कर लेते भाई। आ जाओ ना भाई, सहरन का टाइम हो रहा, वक्त नहीं है, पहले आ जाइए। आ रही हूँ अब भी आ रही हूँ जी, हो गया। अरे पहले आ जाओ भाई, ये दुआ करने का, दुआ की कबूलियत का वक्त रहता, पहले आ जाओ, पूरे काम छोड़ो, पहले आओ। आ गई जी, भजिया तल रही थी ना, कहीं को तो इतना पुकारा कर रही। क्या तो भी हो गया, कहीं को ऐसा पुकार ले रही। पहले बैठो भाई, दुआ कर, दुआ करो पहले बैठ के, दुआ करो जल्दी, ये भी वक्त है दुआ की कबूलियत का, जो मांगेंगे इंशाल्लाह कबूलूंगा, दुआ करो। ताकि जाने की शरण, आज बहुत लेट कर दिया भाई साहब। अल्फातिहा।
الحمد لله کمینه